आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका p हैशटैग q मींस p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू q p परसेंटेज q मींस p इज नॉट ग्रेटर देन q p डॉलर q मींस p इज नॉट स्मॉलर देन q। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द फोर कंक्लूजन 1, 2, 3 and 4 गिवन बिलो देम इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिवन योर आंसर अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया है r hashtag g g dollar d d at the rate k percentage t और कंक्लूजन दिए गए। कंक्लूजन नंबर 1 है आपका t hashtag d, सेकंड आपका t at the rate d, थर्ड आपका r hashtag k एंड फोर्थ आपका j dollar d। चलिए देखिएगा किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका इधर 1 or 2 फॉलोस, ऑप्शन नंबर बी आपका ओनली 3 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 and 4 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी आपका इधर 1 or 2 and 3 आर ट्रू। चलिए देखिएगा किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले साइंस का मतलब देख लेते हैं सर, p हैशटैग q का मतलब क्या है सर? p इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा सर? p बड़ा होगा q से, क्लियर है। चलिए आगे क्या लिख रखा है आप लोगों को, p परसेंटेज q का मतलब है सर बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या होगा सर? छोटा और बराबर हो सकता है, क्लियर है। और आगे लिख रखा है आपको p एट द रेट q का मतलब क्या है सर? बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, तो बड़ा नहीं हो छोटा नहीं तो क्या हो सकता है सर? बराबर हो सकता है। और अगला है आप लोगों का सर p डॉलर q का मतलब सर क्या नहीं है? छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है सर? बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, क्लियर है आप लोगों को। तो ये आप लोगों का क्या बनेगा, जो कोडेड दे रखा है इनकोड कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों को स्टेटमेंट क्या दे रखे दोस्तों, r hashtag j का मतलब क्या है? r greater than j, क्लियर है। j डॉलर d, डॉलर का मतलब सर greater than equals to d, d at the rate का मतलब बराबर, k percentage, percentage मतलब less than equals to t। कंक्लूजन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, पहला कंक्लूजन बन जाएगा आप लोगों का सर t hashtag d का मतलब सर t greater than d, सेकंड आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पे सर t at the rate d मतलब t बराबर d, क्लियर है सर। थर्ड आप लोगों का कंक्लूजन यहाँ बन जाएगा r hashtag k मतलब r greater than k, एंड फोर्थ आप लोगों का बन जाएगा सर j dollar t मतलब j greater than equals to t, क्लियर है। डॉलर का मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो डॉलर ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, क्लियर है आप लोगों को। चलिएगा अब आगे आप लोगों को क्या बोला गया है, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं सर। आपको t और d के बीच रिलेशन निकालना है सर, t ए रहा और d ए रहा सर, t क्या आएगा सर? d से बड़ा या बराबर आएगा d के, क्लियर है। अब दोनों चीजें सर इसी में दे रखी यहाँ पर, अलग अलग कंक्लूजन में है लेकिन, तो इनके साथ क्या लग जाएगा सर? बड़ा और बराबर इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? इधर और लग जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, क्लियर है। अब r ग्रेटर देन के है सर, r बड़ा है क्या किसे? सर ग्रेटर देन का साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू है, सबसे पहले किसी चलेगी? ग्रेटर देन की चलेगी, मतलब r ग्रेटर देन के आ जाएगा आप लोगों का, मतलब सर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर। j ग्रेटर देन इक्वल्स टू t है सर, दोनों तरफ साइन खुल रहे हैं, इधर भी खुल रहा है चेहरा, उधर भी खुल रहा है, इसलिए सर चौथा क्या हो जाएगा? आधा अधूरा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का आंसर आएगा सर इधर 1 or 2 and 3 are true, क्लियर है ये चीज आप लोगों को। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर ये? सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्लियर दोस्तों। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।